जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि फ्लिपकार्ट से आप फोन कैसे ईएमआई पर बाय कर सकते हो। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब ये दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट से कोई भी फोन को यानी कि बाय करना चाहते हो या किसी भी फोन को लेना चाहते हो वो भी ईएमआई पर दोस्तों, तो कैसे ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए फटाफट वीडियो को समझते हैं एंड भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसके लिए आपको एक काम करना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। तो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना यार भाई के लिए, कि भाई आपके ही लिए मेहनत करता है, किसी दूसरे के लिए तो करता नहीं भाई। और प्यार से कमेंट्स करना भाई वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों यहाँ पर यानी कि ईएमआई पर फोन लेने के लिए फ्लिपकार्ट से, दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपल सा पहले फ्लिपकार्ट को तो यार ओपन कर लेना आप। जैसे आप फ्लिपकार्ट को ओपन करोगे भाई, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आने की कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर करना क्या है भाई, आप किसी भी फोन को बाय करना चाहते हो भी ईएमआई पर कैसे कर सकते हो। मैं पहले से यहाँ पर फोन को ऐड टू कार्ड करके रखा हूँ, अगर आप रखे तो ठीक है भाई, आप बाई डिफॉल्ट आप चेक कर सकते हो वहाँ से जाके। तो बिल्कुल दोस्तों मैं रियलमी 12 5G मैं इस फोन को यानी कि आपको दिखा दूँ, पहले फोन ये फोन है, इस फोन को मैं ईएमआई पर बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है वाई नाउ एंड फर्स्ट नंबर मिलता है आपको पे विथ ईएमआई, क्या पे विथ ईएमआई और वाई नाउ। तो यहाँ पे आपको मिलता है पे विथ ईएमआई, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो भाई, थोड़ा सा आपको प्रोसेस यहाँ पे देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा, कुछ चेक करना चाहते हो ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे स्किप एस कंटिन्यू आपको सबसे नीचे मिलता है, एक रेड पट्टी में आपको स्किप एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू करोगे भाई, करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। तो भाई आपका जो फोन है वो कितने का, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो भाई 11,000 यानी कि 999 यानी कि 12,000 का पड़ेगा आपको फोन टोटल, जो आपका यानी कि ईएमआई फ्रॉम यानी कि 600 मंथली आपको जो पे करना पड़ेगा भाई, वो 661 रुपये मंथली पे करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आप 12,058 कुल इसका टोटल प्राइस है भाई, और ई एम आई पर लोगे भाई तो यहाँ पे 6,661 रुपये आपको पड़ेगा। आप करना है कि यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे मिलता है एक कंटिन्यू का ऑप्शन, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट इस बहुत सब आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल आप यहाँ से बिल्कुल एक डिस्काउंट मिलता है, प्राइज मिलता है, बाई मोर सेव मोर मिलता है, डिलीवरी चार्ज यहाँ पे सबको मिलता है। बिल्कुल आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। और भाई अब इतना करने के बाद आपको सबसे नीचे मिलता है कंटिन्यू विथ ई एम आई, सिंपल से आप क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे भाई, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा एक नया पेज ओपन होगा पेमेंट का, तो यहाँ पर सारा प्रोसेस आपको बिल्कुल बताया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको जो आपका मोबाइल का प्राइस है वहाँ पे ऊपर से हो रहा है यहाँ पे टोटल अमाउंट, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है सी प्लान्स, क्या मिलता है सी प्लान्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है यूपीआई वैलेट, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी भाई, और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एडेड बैंक एंड पे यहाँ पे मिलता है आपको, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे मिलता है एड बैंक एंड पे, तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों बैंक का ऑप्शन आता है, आप भाई किस बैंक से आप यानी कि उसको लेना चाहते हो और ईएमआई पर कैसे उसको पे करना चाहते हो। तो सिंपल अमन सागर बैंक में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपका जो भी कोई एक बैंक होगा यहाँ पे बिल्कुल चूज कर लेना मेरे भाई। उसके साथ में थोड़ा सा कंप्लीट स्टेप यहाँ पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा मैं बैग जाता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर मिलता है ईएमआई, यहाँ पे इस प्रकार भाई एक एरो मिलता है, यहाँ पे एक प्रकार ये एरो मिलता है, सी प्लान मिलता है आपको। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 4,019 रुपये आपको पी मंथ यानी कि मंथली पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सी प्लान पे आपको क्लिक करना है, तो जैसे सी प्लान पे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो तो डिलीवरी चार्ज आपको कितना पड़ेगा फ्री है, और पैकिंग चार्ज यहाँ पे 69 रुपये पड़ेगा, और 3 महीने के लिए दोस्तों ये प्लान आपका है, यानी कि 3 महीने में दोस्तों आपको एक किस्त भरनी पड़ेगी, और कितना किस्त होगा 4,020 रुपये पर 3 मंथ, यानी कि 3 महीने में दोस्तों 4 4 8 4 12 आपको यानी कि 4 4 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 महीने पड़ेगा, और 3 महीने में आपको यानी कि हर महीने आपको कितना पे करना पड़ेगा 4,020 रुपये पे करना पड़ेगा। हर महीने 4,020 रुपये पे करोगे तो भाई यहाँ पर आपको 3 महीने में आपका ईएमआई पर आप जो आप मोबाइल या किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हो बाई करते हो यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हो। आपको लेना है सुप्रान पे क्लिक करना है मेरे भाई, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार यानी कि अब आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करने के लिए कार्ड नंबर आता है, कार्ड नंबर ऐड करने के बाद दोस्तों वहाँ पे बिल्कुल आपको पे कर देना, आपके हर मंथली वहाँ से पे करता रहेगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप बिल्कुल बाइक कर सकते हो ईएमआई पर किसी भी प्रोडक्ट को या फोन को बिल्कुल आसान तरीके से फ्लिपकार्ट से बाइक कर सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों हमारे पास ये कार्ड नहीं, इसलिए मैं बाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपको एक
रास्ता दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल आप यहाँ से बाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कमेंट हो, सॉरी कोई डाउट होता है उसके लिए कमेंट करना भाई, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, डाउट तो भाई एक कमेंट करना। तो मिलते हैं ऐसा कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।